ये भी बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। और जब जब संविधान का उल्लंघन इस देश में करने की कोशिश होती है तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने छोटे से राजनीतिक फायदे के लिए देश के संविधान और देश के सौहार्दपूर्ण ताने बाने को खंडित करने से भी पीछे नहीं होते। ये नेम प्लेट का इशू कोई छोटा इशू नहीं है। ऐसा नाजी जर्मनी में हुआ था या आज नए भारत में हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है अगर कोई फल का पौधा किसी दानिश ने लगाया, उसको दिनेश ने पानी दिया, उसको उमेश मंडी ले जाता है, उसको उस्मान ठेले पर लगाकर बेचता है। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब जिस इलाके से हम आते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की, वहां कभी ये सोचा ही नहीं, तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस तरीके का फरमान योगी सरकार जारी करेगी। कांवड़ लोग लेके आते हैं, उनका स्वागत करते हैं मुस्लिम समाज के लोग। हज पे से लौट करके मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, हिंदू समाज के लोग उनका स्वागत करते हैं। पता नहीं कौन सी बीमारी से ग्रस्त लोग इस देश को चला रहे। मैं तो चाहूंगा कि अभी भी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है, जो सरकार अपना पक्ष रखे, तो वो अपनी गलती को मान ले, वरना होता यह है कि एक झूठ और एक गलती को छुपाने के लिए 100 और गलती करते हैं, वो ना करे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।